आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, राजधानी पटना में कड़ाके की शीत लहर जारी है और स्कूल को लेकर बिहार में बवाल सा मचा हुआ है। एक तरफ पटना डीएम स्कूल में शीतलहर को लेकर, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर, कैसे बच्चे स्कूल के जो पढ़ने वाले स्कूल जा रहे हैं उनकी कैसे स्वास्थ्य जो है कैसे सेहतमंद रहे, इसको लेकर उन्होंने स्कूल में छुट्टी का फरमान जारी किया है। तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक इस छुट्टी को लेकर लगातार जो है पटना डीएम पर जो है अटैकिंग मोड में देख रहे हैं, काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं। और इसको लेकर कितना पत्राचार हुआ है वो भी मैंने आप तक पहुंचाया है। लेकिन एक बार फिर से के पाठक के नोटिस नहीं लेते हुए, यानी कि साफ साफ कहें कि पटना डीएम ने अब के पाठक को कोई वैल्यू नहीं दिया है और फिर से एक बार छुट्टी की तारीख बढ़ा दी है। दरअसल पूरा मामला छुट्टी को लेकर है, शीतलहर से जुड़ा हुआ मामला है और पटना जिला दंडाधिकारी ने छुट्टी के जो डेट है 25 तारीख तक बढ़ा दिए और ये छुट्टी कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक है। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मौसम खराब रहा, शीतलहर पटना में जारी रही, तो ये छुट्टी बढ़ाई भी जा सकती है। तो एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार कह रहे हैं कि क्या ठंड, क्या शीतलहर सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है। हालांकि इसको लेकर किस तरीके से बिहार में बवाल है आप वो भी देख रहे हैं, राजनीतिक हलकों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है और साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार में शासन और प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया है। जिस तरीके से अधिकारी आपस में उलझे हुए हैं आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो दूसरी तरफ अब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने साफ साफ नोटिस जारी किया है और लिखा है कि अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई भी हो जाएगी। जैसा कि आप खुद नोटिस में देख रहे हैं किस तरीके से लिखा हुआ है और साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्कूल इसको मानने से इनकार करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और ये आदेश जो है बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि बिहार के साथ साथ राजधानी पटना में अगर ठंड की जो है प्रक्रिया, जिस तरीके से ठंड जारी है, जिस तरीके से ठंड पड़ रहा है, अगर ज़्यादा हुआ तो और भी डेट बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ कक्षा 9 से ऊपर के जो भी क्लासें हैं वो 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है पहले के निर्धारित समय तक चलते रहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई दक्ष क्लासेस होगा, यानी कि जो 5:30 बजे तक चल रहे थे, यानी कि ट्यूटोरियल क्लास या इसके अलावा परीक्षा का जो मामला था उसमें भी चलेगा। तो साफ साफ नोटिस में, गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि ठंड को लेकर पूरी तरीके से सावधानी बरती जानी चाहिए, कहीं भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साइन और मोहर आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से पटना जिलाधिकारी का है। तो एक तरफ के पाठक अपने अड़ियल रवैये के रूप में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं और किस तरीके से दो अधिकारी आपस में टकरा रहे हैं आप खुद इस पत्र से समझ सकते हैं किस तरीके का हालात है। तो फिलहाल बिहार में स्कूल की छुट्टियों को फिर से बढ़ा दिया गया है जो कक्षा 1 से 8 तक की है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस लेटर के बारे में, पत्र के बारे में, हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।